मेरी शादी में भी ऐसे ही नाश्ता लेके आना। पास रहे सब, एक दफा कह दो नाश्ता फ्रॉम सिस्ट्रोलॉजी। मेरी कौन सी फैमिली साइड पे आ रही है? Assalamu alaikum everyone, this is me Hira Faisal and welcome to my YouTube channel and welcome to Shadi Wala Ghar. Aaj बारात वगैरह हो गई, रुखसती हो गई, बहुत रो धो लिया, अब वी आर हैप्पी, अब बिल्कुल ही रोना। अब हम लोग को लेके जाना है आप ही के लिए नाश्ता, और इसीलिए आज मैं जल्दी जल्दी उठी हूँ। सुबह सुबह भी मुझे रेडी होना है और नाश्ता हमारे पास पहुँच चुका है। हम उसको अंदर लगवा देते हैं नाश्ते को, ताकि हम जब सब रेडी हो जाए, पूरी सिस्ट्रोलॉजी जब तैयार हो जाए, तो फिर हम एक साथ उस नाश्ते को लेकर निकलते हैं। उससे पहले मुझे अपनी थोड़ी सी स्किन केयर भी करनी है, उसकी भी आपको डिटेल्स बताती हूँ। पहले हम नाश्ता रिसीव कर लें। मेन्यू जाके दिखाती हूँ, जैसे भी हमारे हाथ में आलू अंडे अंडे चने आ गए। गाइस ये सारा खाना होममेड है, गोल्डन स्पैचुला से मैंने मंगवाया है एंड इट इज अमेजिंग। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, स्पेशली होममेड। सो गाइस जो ब्रेकफास्ट था वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब मैं पहले थोड़ा सा अपनी स्किन केयर कर लूँ, स्किन का ख्याल कर लूँ, और फिर जो है ना मैं आपको खाने का मेन्यू भी दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो नाश्ता रेडी होने के लिए मैंने अपनी दोनों फेवरेट प्रोडक्ट्स जो हैं वो पकड़ ली हैं। अब हम इनको मिक्स करेंगे, फटाफट अपने फेस पे लगाएंगे ताकि मेरी स्किन ग्लोई ग्लोई हो जाए। तो अब हम इसको बनाते हैं, और मुझे आप ही के लिए भी लेके जानी है, बिकॉज वो मुझे बोल रही थी वो मेरी क्रीम्स घर रह गई हैं लेते आना, तो मैं उसके लिए नाश्ते के साथ इसकी क्रीम्स भी लेके जाऊंगी। पहले क्रीम्स रेडी करते हैं और फिर मैं आपको अपना ड्रेस भी दिखाऊंगी जो मैंने नाश्ते के लिए रखा हुआ है। ओके गाइज, तो मेरे पास है ये होम्यो क्योर की ब्यूटी क्रीम जो कि बहुत बहुत अच्छी है। उसके बाद है ये ग्लूपा टोन का इमल्शन। हम इन दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाते हैं, और ये इतना प्यारा मिक्सचर बनता है कि मेरी स्किन ग्लो होती है, मेरी स्किन वाइट हो जाती है। और आप अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपके अगर एक्नी स्कार्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको मेकअप में ग्लास स्किन लुक चाहिए तो आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। दे आर इनका जो कॉम्बो है सो अमेजिंग। और सबसे बेस्ट बात, ये मेड इन पाकिस्तान है, तो भाई हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। अब हम इसको मिक्स करते हैं। अब हमने इसको निकाला पूरी क्रीम को अंदर से, यार दिस इज़ सो सेटिस्फाइंग। बेसिकली ये मैंने दराज से ली थी, उनकी सेल लगी हुई थी, और मैं हमेशा अपनी प्रोडक्ट्स ये वाली वहीं से ही मंगवाती हूँ। ठीक है, अब हमने क्रीम निकाल ली है, अब हम इसमें इसका हाफ ग्लूपा टोन मिक्स करेंगे लाइक दिस। तारा, हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में बनानी है, क्योंकि मैं ना बार बार बनाती रहती हूँ, तो मुझे है कि ये ख़त्म हो जाएगी तो मैं नई फ्रेश बना लूँगी। और अभी जो मैं अपने लिए बना रही हूँ, और मैंने सोचा कि ये मैं आप ही के लिए भी बना के ले जाऊँ ये प्रोडक्ट्स, तो लेकिन मैं उसके लिए फ़्रेश लेके जाऊँगी। इसने कहना तू मेरे लिए अपनी यूज़ की हुई चीज़ लाई है। सो अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो भाई अब हम सारी जो प्रोडक्ट हमने मिक्स किया है ना, इसको हम वापस कंटेनर में डाल के सेव करेंगे। जितनी हमें चाहिए हम सिर्फ वो अप्लाई करेंगे। तो भाई ये जो मेरे पास ग्लूपा टोन का छोटू पैकेट है, इसमें एक छोटू के साथ मोटू पैकेट भी आता है, बड़ा पैकेट भी, तो छोटा पैकेट भी है, बड़ा पैकेट भी है। आपको जो इजी लगता है ले लीजिए, बिकॉज ये इजी टू कैरी है, आप कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकते हो। लेकिन आपको ज़्यादा अगर क्वांटिटी में चाहिए तो आप एक बड़ा पैकेट ही ला के रख सकते हो। तो मेरे पास दोनों ही हैं, मुझे लेके भी जाना पड़ता है, जैसे अभी मैं आप ही के लिए लेके जा रही हूँ तो मैं ये लेके जाऊँगी, और अगर मुझे अपने लिए स्टोर करने के लिए चाहिए होता है तो मेरे पास वो भी पड़ा हुआ है। तो अभी हमने जो मिक्सचर बनाया है ये मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे, अपने हाथों पे, क्योंकि शादी का जो आपका सीज़न चलता है ना, उसमें मेकअप कर करके आपकी स्किन डल 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 होती जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई मेरी स्किन हमेशा ग्लो करती रहे। गाइज़ मैंने इसको अपने हाथों पे अप्लाई कर लिया, अपनी आर्म्स पे अप्लाई किया, दिस इज़ सो गुड। और आप इंस्टेंट ग्लो मेरे फेस पे देख सकते हैं, अगर नज़र आ रहा है आपको इस तरह से इसी लाइट में, तो क्योंकि आई कैन सी इट फ्रॉम हेयर। अभी लगाती गई हूँ, फ़ौरन से ये देखिए ग्लास स्किन वाला ग्लो आ रहा है। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ, कॉमेंट में भी पिन कर रही हूँ, जाके अभी परचेज करें। सो गाइज मैंने कहा कि रेडी होने से पहले मैं ना आप लोगों को अपने जो नाश्ता हम लोग लेके जा रहे हैं उसका मेन्यू बता दूँ। सबसे पहले हमारे पास है ये चने अंडे, स्पेशली जितना भी खाना है ना अभी यहाँ पे, ये होम मेड है और मैंने स्पेशली बनवाया, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि हम कोई बाहर से खाना लें या ये, और इस तरह की चीज़ें घर पर मुझसे एज सच बनती भी नहीं है, क्योंकि हम लोग शादी में बिजी थे तो बना नहीं पाए। तो इसीलिए ये बना है नट्टी हलवा। ये जो आपको लेयर जमी हुई भी लग रही है ना, क्योंकि सर्दियाँ और ये स्पेशल देसी घी में तैयार हुआ है, उसकी वजह से ना ये जम गया, तो इसको हम कर लेंगे गर्म बाद में। फिर हमारे पास अगेन आ जाते हैं अंडा चने, फिर ये हमारे पास है दम कीमा, फिर हमारे पास है ये दम कीमा, और ये हैं हमारे पाए जो कि स्पेशली बनाए गए हैं
आपी और अरीब की फैमिली के लिए और उनके लिए। और यहाँ पे अभी हम लोगों को नान पूरी सब कुछ मंगवाना है, चाय वाय सब कुछ का अरेंज करते हैं। और फिर इन अपनी बहनों को उठाती हूँ, सोई भी उनको कोई फिक्र ही नहीं है कि नाश्ता लेके जाना है, अभी उठाती हूँ उन्हें और फिर मैं रेडी होती हूँ, फिर आपको अपनी लुक भी दिखाती हूँ, नाश्ता लुक। ओके गाइस, तो जो नाश्ता है ना, और मैं आपको अपनी लुक दिखाती हूँ बाद में फुल लुक। और यहाँ पे जो पापा है ना पीछे नाश्ता ट्रांसफर कर रहे हैं, मैं ना आपको पीछे दिखा देती हूँ कि हमने रख दिया है, अभी मुझे वीडियो बनानी होगी। मेरी शादी में भी ऐसे ही नाश्ता लेके आना। पापा सारा ये गिरेगा तो नहीं जब गाड़ी चलेगी, आराम आराम से चलाएं। पापा जी पहले ये बाहर निकाल लेते गाड़ी, कुछ नहीं होता। चलें ठीक, तब तक मैं अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, फिर आपको अपनी फुल लुक फुल नाश्ता लुक दिखाती हूँ। और या देखते हैं कि क्या और अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता के लिए आपी के पास। और यहाँ पे पीछे वो वाला सिस्टम हो रहा है। तो यार अब हम लोग निकल रहे हैं बिकॉज वी आर गेटिंग लेट, मेरी बहन ने नाश्ता करना है, तो भाई नाश्ते के लिए लेट नहीं हो सकते, दोपहर का खाना नहीं बना सकते हैं हम, सो लेट्स गो। और ये देखना जरा इनको अपनी पड़ी हुई चाय, फातिमा चाय, ऐसे चाय कौन लेके जाता है, तो कैसे हाथों छापर में लेके जाए, नहीं कप, क्योंकि उनके घर कप नहीं है क्या? नहीं, हमने वैसे ये जब आपकी पहली पहली बड़ी बड़ी बहन होती ना, आपको नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं, तो ऐसे कप वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं गाइस। तो यू नो जब बाकियों की बारी आएगी तो शायद ऐसे कप नहीं लेके आएंगे, खाली कप। अब हम लोग सारा नाश्ता गाड़ी में रख रहे हैं, आ जाओ जल्दी, सारे कपड़े और जूता खराब कर देना। और ये भी ठीक है, अब इनको भी बुला लें सबको। तो गाइस खाना हमने सारा फिट कर दिया, अभी मम्मा अपना जो स्पेशल नाश्ता वो लेके आ रही है, मम्मा आ जाए। ओके गाइस, तो फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं। और मैंने आपी के लिए जो मैंने कहा था उसको याद मुझे याद रह गया कि भाई उसके लिए ये क्रीम्स लेके जानी है, तो हम इसको भी रखते हैं। और अब निकलने लगे हैं बिकॉज बहन को नाश्ता देना है, अपनी ही लगी हुई चलाकियां करने। गाइस मेरा ये रिश्तेदार शूज और यहां पर गंदे ना हो जाएं, बस लेट्स गो। और सब एक दफा कह दो नाश्ता फ्रॉम सिस्ट्रोलॉजी। तो गाइस ये लोग अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और हम लोग भी अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, अभी हमारी अपनी उपनी हुई है, पता नहीं कब किस लिए लेके जा रही है, शायद चाह के लिए जाके फोन रखने का बेस्ट तरीका, आने के बाद यही लेकर जाना। पैसेंजर प्रिंसेस हो गई हूँ यार मैं, पैसेंजर प्रिंसेस हो गया हूँ, चलो जल्दी चले। ओके तो फाइनली हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं, क्या पहुंचने वाले हैं रास्ते में, वो आगे पापा की गाड़ी जा रही है, समझ नहीं आ रही वो लोग लेट पहुंचे थे, आगे कैसे पहुंच गए पापा, वो पापा हैं तो हम भी हम हैं। नहीं ना, बाप बाप होता है बेटा, बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है, मतलब बेटा ज्यादा बेटी ज्यादा बाप। कभी आपने मेरी ड्राइविंग देखी ना तो फिदा हो जाना। मैं इतना फिदा हो जाऊंगी कि मैं ऊपर चली जाऊंगी, बिकॉज़ माय ड्राइविंग की एज नहीं। चल चल गाड़ी चला मुंह ध्यान। ओके गाइस, तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं परात लेकर, मां बिली परात लेके, ओए परात का परात नहीं से कहते तो क्या कहते हैं, चल चल निकल तू जल्दी, ये अंदर के ढोल पर अंदर गाने शाने चल रहे हैं, अंदर गाइस अंदर गाने शाने चल रहे हैं। और हीरू मैडम उतर चुके हैं, उतर हीरू। हां मेरे हाथ में परात नजर नहीं आ रही आपको, जल्दी उतर। परात कह रही है, फिर लगा परात, अंदर गाना चल रहे हैं यार, हम लोग रात का खाना लेके आए, हम लोग बस खाना लाए हैं गाइस। बिल्ली चाय किधर, बिल्लू चाय वाला किधर, चाय ये चाय वाला किधर, वो डिग्गी में पड़ा हुआ है, यही गोल पड़ा हुआ है, पापा पिक्चर में आया है, थंबनेल में आया है। चल रैपिड मेरे से पकड़ो ये परात, पकड़ो मुझसे पता नहीं आप कैसे मिलेंगी मेरे हाथ में परात बनी, आपसे पीछे से मिल लेती हूँ। अपनी तशरीफ ले गए, ये नहीं पता नाश्ता भी लेके जाना ले आता हूँ, ये मुझे पकड़ा देना, चलो गाड़ी भी लगानी, ले जाओ बाद में ले जाती है,
नहीं, ये लड़के की उनको मिली है भाई, हमने तो बात बात के पैसे लिए। गाइस तो यहाँ पे खाना ला के ना जो सब फोन्स में लगे हुए हैं, अभी अपनी बहन का वेट कर रहे हैं कि आए और हम उसके दर्शन करें शादी के बाद। फाइनली मेरी बहन आ गई है और यहाँ पे रास्ता रुक रहे हैं। नहीं, वो हमारी पार्टी में है, इनकी पार्टी, इनकी पार्टी, इनकी पार्टी अभी तो मेरे से गले नहीं मिली अभी। यहाँ पे खाना लग चुका है, यहाँ पे फ्राइड खाना खा रही है और यहाँ पे ये और दुपट्टा छोड़ रहा है। यहाँ पे मैं खाने लगी हूँ, मुझे मेरा गला छोड़ लगी है। खाने के बाद मिलते हैं। अब ये जो तुमने मुझसे अपनी चीजें मंगवाई थी, तुम्हारे लिए मैं स्पेशल लेके आई। ओह माय गॉड, तुम्हें पता है कि मैं आज मेकअप करवाने गई थी तो मुझसे पूछ रही थी स्किन अच्छी कैसे है, तो मैंने उसको यही बताया। हाँ, मैंने कहा मेरी घर आई थी दिखाओ, तो मैंने कहा दराज से ऑर्डर कर लिया। कॉल करके इसने मुझे स्पेशल कहा था लेके आना, तो भी मैं इसकी चीजें ले आई हूँ। मैं एक रिस्पॉन्सिबल बहन हूँ, अब हम जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी तुम्हें कहा था, मैंने शैम्पू भी कहा था, ज्वेलरी भी बोला था मेरे लिए। तुम मेरा जो मेकअप उठा के लाई हो ना बेटा, मैं तुम्हें वो बताती हूँ। अभी मैं जरा आप ही के पोर्शन देख लेते हैं, आपको बताती हूँ। ये इसे छोटे पाउच के साथ ये दो होती हैं, ठीक है। अरे ये वो बड़ा वाला तो हमें बाद में ला दूंगी जो रहेगा, क्योंकि मिक्सचर बनता ही एक इससे और दो होमियो की ओर से। यार वो बड़ी होती है, सब चलेगी बाद में, इसको बाद में डाल दो। चलो ठीक है, चलो चलो चलो। ये मेरे साथ शिफ्ट होने आ रही है, राजधानी कह रही है मैं अभी आपके साथ। यहाँ पे भी फूल लगे हुए, आप ही करूँगा यार। ये पंखे पे इतने प्यारे लगे हुए हैं यार, एक बेस्ट पार्ट वो टिपिकल टिपिकल वाली वाइब नहीं आ रही, वो जो लड़ियाँ लटकी होती है, बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, खुशी सबसे ज्यादा इस बच्चे को है, ठीक है, जो इतना इतना इंजॉय कर रहे हैं। देखना सर, ये रूम स्पेशली बैलून से इसके लिए डेकोर किए गए हैं। डायमंड का सेट मिला है, अल्लाह तुम्हारे नसीब में, तुम्हें पहनना नसीब में। ओके गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं, आप ही बाय बाय, अपनी पानी की बोतल खुद भरना, ठीक है। पहले मैं तुम्हें कहती थी, मैं तुम्हें याद कर करके सबसे आवाजदारी का काम लगता था मुझे, इसकी पानी की बोतल भरना करना ही। पिक्चर लेती हूं मेरा फोन। चलो इस पे फ्लावर्स फेंको, फेंको इस पे फ्लावर्स, प्यारा सा करती रहो फोन। यार दुल्हन दुल्हन लग रही है, नई नवेली दुल्हन, सो लेट्स गो। अब हम लोग निकल रहे हैं, कल मिलते हैं रिसेप्शन पे, बाय बाय। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, हम लोग काफ़ी बातें करते रहे, अरी भाई के साथ बातें की, आप के साथ बातें की, वही शादी के बाद थोड़ा एक चीज़ चेंज हो जाती है ना, तो बड़ा ही मज़ा आया हमें आप का घर देख के, इतना तब मज़े का वो रूम डेकोरेट हुआ हुआ था और हर चीज़ वॉज ऑन परफेक्ट। अब कल मिलते हैं आपको रिसेप्शन पे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो।